मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं दरियाचक मोहल्ले में वार्ड नंबर 58 में मैं खड़ा हूं, जहां मैं अपने कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह कृपया जो ये रोड है, ये रोड को एक बार दिखाएं पब्लिक को, कि पब्लिक देखे और देखे कि गोरखपुर सब ये सीएम का सिटी है और इस सिटी में किस तरह का जो है काम चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा रोड है जो पूरा ये जलमग्न है। पिछले 8-10 साल हो गए यहाँ की पब्लिक त्राईमाम जो है झेल रही है, कोई सुनवाई नहीं है। इन्होंने स्थानीय पार्षद से भी शिकायत किया है और पार्षद के द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विभाग का भी चक्कर लगा रहे हैं, विभाग भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये हमारे साथ यहाँ के कुछ नागरिक यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे आगे में कहाँ कहाँ गए, किसे किसे बात की, क्या कमेंट की, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है। और ये यहाँ पे और लोगों को बताना है कि जल जलित बीमारियाँ यहाँ अभी पैर पसार रही हैं, लोग काफ़ी इससे परेशान हैं और आहत हैं। ये गोरखपुर सीएम सिटी का विकास है। हमारे साथ और लोग मोहल्ले के हैं, आइए मैं इनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि क्या समस्याएँ हैं। हाँ, अपना नाम बताएँ आप। नौशाद अली। क्या समस्याएँ हैं आप लोगों की? समस्या यही है कि 10 साल से यह गड्ढा में जब बारिश होता है हर साल पानी पूरा लग जाता है, ये सब भट्टा पूरा भरा हुआ रहता है, एक एक लोग के घर में पानी घुस जाता है। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ किया? नगर निगम में भी कहा गया है और लोग वार्ड नंबर 48 के जो पार्षद हैं उनसे भी कहा गया था। पार्षद कौन है यहाँ के? जुबेर अंसारी। उनका क्या कहना है इस संबंध में? कह रहे हैं हो जाएगा, हो रहा काम, हो भी रहा है। आपको लग रहा कहीं कि जो बात कर रहे हैं वो बात कहीं धरापल पे सामने दिखाई पड़ रही है? हमें कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा, आपको कुछ लगा कोई काम ही हो रहा है? नहीं, अभी ये आपके सामने की बात है, ये आप देख ही रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे साथ एक नागरिक हैं, इनका कहना है कि पार्षद द्वारा बार बार मुझे आश्वासन दिया जाता है कि काम होगा काम होगा, मगर ये कहीं धरातल पे काम नजर नहीं आ रही है। आइए और भी नागरिक हैं, इनसे मैं जानता हूँ और क्या इनकी क्या समस्या है। हाँ, क्या नाम आपका? हेलो, मेरा नाम है फारूक, वार्ड नंबर 48 पुराना वार्ड है। मैं जो है मंदिर के बगल के रहने वाला हूँ। मैं इतना यहाँ का पब्लिक 50 घर जुड़ चुका हो, 10 साल हमारे जुबेर भाई पार्षद थे लेकिन ये रोड नहीं बनवाए, और विकास तो चारों तरफ किए लेकिन ये भी रोड नहीं बनवाए, किसी के जिद में रोड नहीं बनवाए। हम लोग का कितना नुकसान हुआ है, हम लोग जिद में आकर बीजेपी का झंडा देखिए टांगे हैं, बीजेपी का झंडा जिद में टांगे हैं। हाँ, कि हमारा विकास होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। आपने कि अगर बीजेपी आएगी तो हमारा कहीं डेवलपमेंट होगा? हाँ, बीजेपी आएगी तो मेरा विकास होगा, तो मैं जानता हूँ। बीजेपी के नेताओं से आपने संपर्क किया? बिल्कुल मैंने किया है। किनसे किनसे संपर्क किया? नगर लवी शंकर उर्फ जो है विपिन सिंह, तो मैंने संपर्क किया है। तो ये देखिए मिट्टी गिरना चालू हुआ है और उस पर भी रोक लगाया जा रहा, अगला विरोध पार्टी रोक लगा रहा है। विरोधी पार्टी कौन है? विरोधी पार्टी वही है। इसके पहले आप किसको सपोर्ट करते थे? मैं जुबेरे का अंसारी को करते थे, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन जब मेरा काम नहीं किए हैं तो हम उनका विरोध हो गए, दुश्मन। झंडा चेंज करने का क्या मामला है? झंडा चेंज करने का मतलब हम भाजपा का हम जो है एकदम हो गए हैं, जो है सबका साफ सबका विकास। हाँ हाँ, विकास करेंगे भाई, हम हमेशा रहेंगे। अब जो है अब हमारे साथ जो भी होगा, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन भाजपा के साथ रहूंगा। आपको तो विश्वास है कि बीजेपी सरकार? हाँ, बीजेपी सरकार रहेगी तो मेरा विकास होगा और रोड बनेगा। बता रहे हैं कि जैसे मट्टी का काम हुआ है। हाँ, दीपाली वाले रवि शंकर देखिए उर्फ गिरधारी मेरे सामने खड़े हुए हैं, जब से लगे हुए हैं तो सब मिट्टी गिर रहा है और रोकने वाले रोक रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं बताएं? मैं रवि सोनकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ का जो वार्ड नंबर 48 दरियाचक मोहल्ला है सूरजपुर धामनगर, काफ़ी घनी आबादी है, और यहाँ के लोग काफ़ी दिक्कतों से झेल रहे हैं। यहाँ समझिए शाम का भोजन करना एक सभ्य आदमी के लिए यहाँ बैठ जा तो नहीं कर पाएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से और विधायक जी से दरख्वास्त करता हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया इस विषय को लेकर इस रोड पे कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि इस पे कार्य होना
बहुत ही वो है, ये जान लीजिए घनी आबादी है, यहाँ पे काम होना अति आवश्यक है। जैसे बताया जा रहा है पिछले 8-10 सालों से ये जो कनेक्ट हुए और डेवलपमेंट के लिए आपने क्या कदम बढ़ाया? मैं इसमें करीबन 6 महीने से कनेक्ट हुआ हूँ, 6 महीने से करीबन कनेक्ट हुआ हूँ और 6 महीने के अंदर करीबन हमने 150 डंपर मिट्टी देख रहे हैं, 150 डंपर हमने नगर आयुक्त साहब से कहवा के गिरवाया है। जी जी, इसमें हमारे महानगर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी भी का साथ है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल श्रीवास्तव जी का भी साथ है, सबके माध्यम से ही पट रहा है। जी जी, और सब भाइयों का सहयोग मिला है। जी जी, कहें भैया आप उठिए, मैं आपका सहयोग करूँगा, कहें हम कहें सहयोग बाद में कीजिएगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ और सबका विकास, जब काम होगा तभी हम लोग को कोई पूछेगा। जैसे भाई मिट्टी गिरना चालू हुआ है, हमारे दो भाई ने हमारा झंडा यहाँ पे लगा दिया है, एक यहाँ पे झंडा, कहीं कहीं इन लोगों को ये जिज्ञासा डेवलप कर रही है कि गवर्नमेंट बीजेपी की है और बीजेपी के द्वारा हमारा कुछ उपकार हो सकता है। जी जी जी, पिछले कार्यकाल में जो यहाँ पार्षद थे वो पार्षद का कोई काम नहीं किया, नहीं कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं पार्षद जी, घर के बगल में जाके देख लीजिए झाड़ू नहीं लगता है, वो दूसरे यहाँ का लगवाएंगे, पार्षद जी घर के बगल में नहीं लगता है झाड़ू। तो मान लिया जाए कि सरकार ने मिट्टी गिरवा दिया है, ये रोड का क्रियाकलाप कब से स्टार्ट होगा? भैया हम नगर आयुक्त साहब से बात किए हैं, कहें भाई रोड को बराबर पहले करवा लो, जिस तरह भी हो रोड बन जाता है उसके बाद इसका मैपिंग हमको दे दो, हम रोड बनवा देते हैं। तो कोई आश्वासन दिया गया, कुछ समय दिया गया? हाँ हाँ, आश्वासन दिया। कब तक समय दिया गया आपको? 4-5 महीने का। 4-5 महीने में रोड कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ ये थोड़े दबिया चक के कुछ निवासी थे जिनकी ये आम समस्या है और समस्या को जो है अवगत कराया गया है और प्रशासन से निवेदन है कि इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए तत्काल की जो है कोई प्राथमिक उपचार इसकी सुनिश्चित की जाए।